दो दिवसीय माई टाउन माई प्राइड 2.0 का नगर परिषद सोपाइन में समापन हुआ। सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम माई टाउन माई प्राइड फेज 2 मंगलवार को नगर परिषद सोफिया में संपन्न हुआ। डीसी सोफिया सचिन कुमार वैश्य ने विजिटिंग अधिकारी के रूप में नगर परिषद सोफिया के अधिकारियों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में विकास परिदृश्य का जायजा लेने के अलावा लोगों के मुद्दों और चिंताओं को सुना। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। लाभार्थियों को मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एमसी सोफिया परिसर में पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए गए थे। बाद में डीसी सोफिया सचिन कुमार वैसे ने लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह वितरित किए और घर की चाबियां भी दी। इसके अलावा लाभार्थियों को PMAYU के तहत अग्रिम मोबिलाइजेशन भुगतान भी प्रदान किया है। राइट का इसका मेन मकसद था टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। और मैं आपको बता दूं कि दिस प्रोग्राम हैव बीन इमेंसली सक्सेसफुल। यहाँ पे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के शिरकत की, हमने लोगों का फीडबैक लिया, लोगों की ग्रीवेंसेस ली, सजेशंस ली, और जो इस प्रोग्राम का मकसद था उसी के हवाले से हम अब इस पे चलेंगे। हमने यहाँ पे शोपियान में जो है काफी बड़ी डेवलपमेंट्स जो है यहाँ पे हुई है। लाइक लोगों ने हमें सजेशंस दी रिगार्डिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क्स, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और हमारे जो यहाँ पे प्लान्स ड्राफ्ट हुए हैं लाइक ब्यूटिफिकेशन का है, ग्रीन टाउन प्लान है या बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वो सभी उनपे सभी पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी डीसी साहब ने खुद सेंसिटाइज किया। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के शिरकत की और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। तो आप कल से देख रहे हैं, एक्चुअली 28 से देख रहे हैं कि कितने लोग एक ही छतरी के नीचे जिनको काम निकल रहा था, लोग कैसे आ रहे थे। जैसे रेवेन्यू अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना हुजूम आ रहा था और काम कैसे निकल रहे थे। तो मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि ये दूसरी बार है माई टाउन माई प्राइड। पिछले बार हमारी में थोड़ी सी कमियां रह गई थी जो आज इस बार हमने पूरी की। ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24x7।